आपको बताएं तहरीक इंसाफ का हकीकी आजादी मार्च, रावलपिंडी में पीटीआई और जिला इंतजामिया के दरमियान शरायत तय पा गई है। 56 शरायत पर इत्तेफाक के बाद पीटीआई को फैजाबाद में जलसे की इजाजत दे दी गई है। तफसीलात क्या है जानेंगे बोल न्यूज के नुमाइंदा वसीम चौधरी से। वसीम चौधरी, 56 शरायत पर यह मुआहदा तय पाया है? जी बिल्कुल, ये जलसे की इजाजत जो दी गई है ये मशरूत दी गई है और 56 जो है इसमें शरायत रखी गई है, जिसमें लाउड स्पीकर के इस्तेमाल समेत अलामा इकबाल पार्क में जो शुरका हैं उनको ठहरने के हाले से भी जो है वो बातचीत इसमें की गई है। ये डिप्टी स्पीकर वासफ की उम और डीसी रावलपिंडी के माबैन ये मायदा हुआ है, जिसमें बताया गया है कि जो जुलूस के शुरका है वो मुकर्रर करदा रास्तों से होते हुए जलसा गाह तक पहुंचेंगे और जलसा गाह के बाद जो है वो वहां से वापिस अपने घरों को लौट जाएंगे और अलामा इकबाल पार्क में ठहराव नहीं करेंगे। इसके साथ साथ ड्रोन कैमरे पर जो है पाबंदी लगाई गई है। इसके साथ साथ लाउड स्पीकर के इस्तेमाल को जो है वो भी मशरूत रखा गया और लाउड स्पीकर एक्ट की जो तरामीम है उसके दायरा कार के अंदर अंदर जो है वो लाउड स्पीकर के इस्तेमाल करने की इजाजत मिली है। तो ऐसे ये 56 के जो है वो शरायत रखी गई है जो मशरूत है जलसे के वाले से। जी ठीक है, जलसे की इजाजत तो दे दी गई है लेकिन 56 शरायत रखी गई है और मुआहदा तय पा गया है, इस हवाले से आगाह कर रहे थे वसीम चौधरी, आपका बहुत शुक्रिया।